गिदगा खुदकुशी मामले में दिल्ली पुलिस ने मुंबई जाकर एक्ट्रेस नूपुर मेहता से घंटों पूछताछ की। पूछताछ के बाद इंडिया टीवी से बातचीत में नूपुर ने खुलासा किया कि दिल्ली पुलिस ने गोपाल कांडा, अरुणा चड्ढा और अंकिता के बारे में उनसे कई सवाल किए। दिल्ली की जांच, मुंबई में पूछताछ, 3 घंटे में कितने खुलासे हुए? एक्ट्रेस बोलेगी कांडा के राज खोलेगी। क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिया था तो उसको मैं जानती थी। दिल्ली पुलिस की टीम ने मुंबई के होटल सनन शान में कल 3 घंटे तक एक्ट्रेस नूपुर मेहता से पूछताछ की। नूपुर से शाम 6 बजे पूछताछ शुरू की गई जो रात 9 बजे तक चली। दिल्ली के अशोक विहार थाने के SO देवीलाल के नेतृत्व में 2 लोगों की टीम पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची थी। ये नूपुर की पूछताछ की तस्वीरें हैं। बाई और नूपुर मेहता बैठी है जबकि सामने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और एक लेडी पुलिस है। इस लंबी पूछताछ में दिल्ली पुलिस ने नूपुर मेहता से गोपाल कांडा, अरुणा चड्ढा से जुड़े कुछ अहम सवाल किए। आपसे पूछताछ की गई है, क्या अहम चीजें जो हैं पुलिस ने आपसे पूछी है? जी, पुलिस ने मुझसे यही पूछा कि मेरे ताल्लुकात कंपनी में और लोगों के साथ कैसे थे, और गोपाल जी के साथ कैसे थे, अरुणा के साथ कैसे थे, जिसका मैंने बिल्कुल सीधा सा जवाब दिया कि मेरे, जैसा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि गोपाल जी के साथ एज अ बॉस और एम्प्लॉय जैसे ताल्लुकात थे, अरुणा को मैं इतनी अच्छी तरह से जानती नहीं। नूपुर मेहता ने गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया लेकिन मामले की अहम कड़ी अंकिता से किसी तरह के संपर्क से इनकार किया। अंकिता के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी इस बारे में मेरी कोई बात नहीं हुई, और अंकिता सिंगापुर से क्यों नहीं लौटी हैं इस बारे में भी मेरी कोई जानकारी नहीं है। मेरी उनसे अभी कोई बातचीत नहीं है इस मामले में। नूपुर ने MDLR कंपनी में काम किया था, वो गोपाल कांडा और गीतिका को अच्छी तरह से जानती थी और यही वजह है कि नूपुर का बयान केस को नई दिशा दे सकता है। पे काम करती थी, जितना भी मैंने 1-1.5-2 साल काम किया, फिर कसीनो में मैंने 2-3 महीने काम किया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए आए थे। और गीतिका क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिया था तो उसको मैं जानती थी, इस करके वो मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए आए। पूरे मामले में अहम गवाह बनकर उभरी नूपुर ने गीतिका और उसके परिवार के लिए दुख तो जताया लेकिन गोपाल कांडा की भूमिका पर कुछ भी साफ नहीं कहा। गोपाल जी, मिस्टर गोपाल गोयल अगर मुजरिम है कि नहीं है वो कहना मेरे लिए जायज नहीं है, क्योंकि वो कानून का मामला है तो वो अदालत तय करेगी कि अगर वो मुजरिम है कि नहीं है, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। 3 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को उम्मीद होगी कि नूपुर के बयान उसकी जांच को आसान बनाएंगे और कई राजों से पर्दा उठेगा। वसीम अख्तर, इंडिया TV, मुंबई।